बच्चा जब पैदा होता है तो नूर के साथ पैदा होता है, नूर यानी कि हक के साथ पैदा होता है। हक सच्चाई को नहीं कहते, हम ये समझते कि हक यानी कि सच्चाई, हक सच्चाई को नहीं कहते क्योंकि सच्चाई जो होती है वो बदलती रहती है। आज की सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर अभी अंधेरा है, यहाँ से उधर जाएंगे यूएस के अंदर तो वहाँ पर उजाला है, तो यहाँ की हकीकत सच्चाई और है, वहाँ की सच्चाई और, सच्चाई बदलती रहती है और सच जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। आज जो जिसको हम सच मानते, पहले के लोग ये मानते थे कि जमीन नहीं घूमती, ये सब सूरज चांद सितारे घूमते हैं, जमीन वही के वही है, तो उस दौर का सच था क्योंकि वहाँ तक जानते हैं। आज की सच्चाई और है कि जमीन भी घूमती है और ये सब भी घूमते हैं, तो सच्चाई बदलती रहती है, कहीं अंधेरा कहीं उजाला होता है, हर जगह की सच्चाई बदलती रहती है, हक बदलता नहीं है। हक जो हक के साथ अल्लाह पैदा करता है और हक दीन जो भेजा वो बदलता नहीं है। जितने अमल हैं उसमें एक अमल है जिसका ताल्लुक ईमान से, जितने भी अमल हैं उसका अमल, जिसका अमल ताल्लुक ईमान से है, यानी कि चोरी अगर कोई करता है, अगर कोई चोरी करता है तो उसको सजा होगी, माफ़ी नहीं मिलेगी, अगर इस्लामी कानून है तो हाथ भी काटे जाएंगे और दूसरे कानून है तो उसको सजा होगी, जेल हो जाएगी, लेकिन उससे इसका ईमान नहीं जा रहा, ईमान अपनी जगह, चोरी करना है तो उसका अलग अमल, उससे ईमान पर फर्क नहीं पड़ता। ईमान के साथ अमल को जोड़ा है, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला जो है वो झूठ नहीं बोलता है, ये ईमान, अगर वो झूठ बोलता है तो फिर वो ईमान वाला है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया मुनाफिक के ताल्लुक से तीन सिफातें बताई, ये तीन सिफात मुनाफिक की, कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है, जब वादा करता है तो वादा खिलाफ ही करता है, और अमानत में खयानत करता है जब उसके पास अमानत रखी जाए। तो इन तीनों का ताल्लुक सच से है, सच बात से, तीनों का ताल्लुक सच से है। इसमें ये, जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा होगी वो उतनी सी मुनाफिक की सिफत उसमें ज़्यादा होगी, जितनी जिसमें कम होगी तो उसके अंदर उसकी सिफत कम होगी और ईमान उसका बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ती जाएगी तो ईमान उसका घटता जाएगा। अल्लाह जब बच्चे को पैदा करता है तो हक के साथ, उसके साथ नूर होता है, नूर के साथ में पैदा होता है, यानी कि वो सच्चा होता है। उसके यहाँ बच्चे के पास में दो अलग चीज़ें नहीं होती कि जो दिल में है वही उसके जुबान पर होता है, वही बाहर होता है, जो बाहर है वही उसके अंदर होता है, वो साफ दिल होता है, उसके अंदर जो कीना कपट और ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हमारे दिल में जो बड़े हो जाते हैं तो उनके दिल में कुदूरियत होती है कि हम किसी से मिलेंगे, अब उस आदमी से हमको नफरत है, वो पसंद नहीं करते हम उसको या किसी भी वजह से, तो हम अब वो सामने हैं तो हम उस बात को छुपा जाएंगे कि हमको ये पसंद नहीं, इससे हम नफरत करते हैं, और उससे जो है मुस्कुरा के मिलेंगे, यानी नौटंकी एक्टिंग करेंगे उससे, क्योंकि हम कर सकते, बच्चा नहीं करता, बच्चे को जिससे मोहब्बत नहीं है तो वो उसके पास में नहीं जाएगा, उससे दूर भाग जाएगा, जिससे मोहब्बत है तो वो खुद ही दौड़कर उसके पास में चला जाएगा। तो बच्चे के दिल में नहीं होता, ये बड़े करते हैं वो छुपाते, बच्चा नहीं छुपाता, तो जिससे मोहब्बत है उससे वो लिपट जाएगा। तो बच्चा जिससे मोहब्बत करता है उसको हक देता है, उसको क्या करता है, वो हक देता है। अगर बच्चे की माँ है और माँ से बच्चा सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, और बच्चे उसकी माँ की कोई चीज़ किसी के पास में वो देख ले, चाहे वो या उसे उसकी चाची है, अब वो चाची भी उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन बच्चे ने उसके देख लिया कि इनने मेरी माँ का कंगन ले लिया, मेरी माँ का चुन्नी ले ली, मेरी माँ का जो है पर्स ले लिया, इसकी चप्पल ले ली, तो बच्चा वो देखेगा तो कहेगा नहीं, वो उससे भली माँ चाची भी मोहब्बत करती है, वो बच्चा भी चाची से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन फिर भी वो देखेगा कि मेरी माँ का इसने ले लिया है, मेरी माँ का हक मान लिया इसने, फिर वो उसके पीछे लग जाएगा कि ये मेरी माँ का है दो, ये हर घर के अंदर होता है, उसके पीछे ही लग जाएगा कि मेरे को ये दो, और अगर वो नहीं देंगे तो उसकी माँ से जाके शिकायत करेगा कि वो आपकी उसने चप्पल ले ली और वो दे नहीं रही, मैं बोल रहा हूँ। अगर उसकी माँ मना भी कर दे कि नहीं बेटा चाची है पहन सकती है कोई बात नहीं, तो भी वो नहीं, अगर उस टाइम चुप भी बैठ जाएगा तो जैसे ही मौका मिलेगा, वो जैसे ही उसकी चाची ने चप्पल खोली या कोई चीज़ जो उसकी माँ की ले ली, तो वो फ़ौरन से उसको लेके उसकी माँ को ले जाके दे देगा।
क्योंकि वो साफ दिल है और वो हक, वो माँ का हक समझता है कि माँ का हक है, तो उसका हक वो किसी को नहीं देगा, क्योंकि माँ की मोहब्बत बच्चे के लिए सबसे ऊपर है और उसकी मोहब्बत के अंदर जब मौका मिलेगा तो वो चीज़ को ले जाएगा और उसकी माँ को वो दे देगा, कि वो नहीं चाहता कि कोई मेरी माँ का हक छीने, क्योंकि हालांकि वो चाची से मोहब्बत करता है, चाचा से मोहब्बत करता है, बच्चे वो जो चाचा चाची भी उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन बस माँ की मोहब्बत सबसे ऊपर है, तो उसका हक वो किसी को नहीं देगा चाहे जो हो जाए, तो बच्चा इसे पसंद नहीं करता, चाहे वो कितनी मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, उसकी माँ से भी ज़्यादा को मोहब्बत करने वाले लेकिन पसंद नहीं करेगा, माँ माँ होती है। तो अब ये भी है ना चाहिए कि हमारा जो ईमान है वो बच्चे जैसा होना चाहिए, बच्चे की मिसाल इसलिए दी कि जब अल्लाह का हक मार के किसी के दूसरे को मत दीजिए, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर, उसका हक किसी को नहीं दे, और ये ईमानदारी होनी चाहिए, ये ऑनेस्टी होनी चाहिए इंसान के अंदर कि वो किसी को ना दे। जैसे बच्चा समझ रहा था कि इन्होंने मेरी माँ के हक पर कब्जा किया तो इसे जुल्म कहते हैं, तो ऐसे ही अल्लाह के हक को किसी और को देना ये अल्लाह पर जुल्म करना है, और ये सबसे बड़ा जुर्म है जो अल्लाह के साथ किया जाता है, यानी शिर्क किया जाता है। और फिर अगर कोई ये जुल्म करता है तो वह जालिम, और जालिम कभी फला नहीं पा सकते। कुरान में फरमाए सूरह आले इमरान सूर 3 आयत नंबर 57 में कि वल्लाहु ला युहिब्बुल जालिमीन, कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह को जालिम लोग पसंद नहीं है। तो जिसका हक है वो उसे दो, नहीं दिया तो फिर जुल्म हो जाएगा। और अल्लाह का हक जो है हम नबी को भी नहीं दे सकते, चाहे वो सबसे अल्लाह के बाद में सबसे अहम तरीन शख्सियत है, लेकिन अल्लाह का हक अल्लाह का हक है, वो नबी को भी नहीं दिया जा सकता, और दूसरों की तो छोड़े नहीं तो फिर ये जुल्म हो जाएगा। और जुल्म इसी को कहते हैं कि किसी चीज़ को, किसी चीज़, ये माई की यहाँ पर इसका हक था, इसको यहाँ से हटा कर इधर रख दिया, यानी इसका हक मारा, इसको कहते हैं जुल्म। तो इतना सा भी जुल्म नहीं होना चाहिए अल्लाह के हक के अंदर, नहीं तो वो जुल्म हो जाता है, इसको जुल्म कहा जाता है।